प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को पटना के कई जगहों पर छापेमारी की। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले के तहत सुभाष यादव के रूप में पहचाने गए व्यक्ति के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा पटना और उसके आसपास करीब 7 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। खबरों के मुताबिक सुभाष यादव बिहार में रेत खनन मामले में शामिल है और पहले राजद के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपको ये भी बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बिहार पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई पिछली कुछ एफआईआर से सामने आया है। कल ही राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी विनोद जायसवाल के घर पर आईटी टीम पहुंची, जिसको लेकर राजद में हड़कंप मच गया। कहा जा रहा है कि यह छापेमारी इनकम टैक्स चोरी के मामले में की जा रही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।